दोस्तों, जब भी बॉलीवुड में सिंघम शब्द का यूज होता है तो अभिनेता अजय देवगन का नाम आ जाता है, जिन्होंने अपनी दमदार अदाकारी से इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है। ये अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपने शांत और खुशनुमा व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। ये सभी से अच्छे से बात करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वैसे तो ये काफी शांत है, पर जब इन्हें गुस्सा आता है तो सभी डर जाते हैं। एक बार रवीना टंडन को भी इनके गुस्से का सामना करना पड़ा, जिसके चलते रवीना फिल्म को छोड़कर ही चली गई। आखिर क्यों इतने शांत रहने वाले अजय देवगन को इतना गुस्सा आया, रवीना टंडन फिल्म छोड़कर चली गई, क्या थी इसके पीछे की सच्चाई, आइए जानते हैं। ये बात है उस समय की जब अजय देवगन अपने करियर की शुरुआत में रवीना टंडन के साथ कई फिल्मों में नजर आ रहे थे, और उसी दौरान 1990 में इन दोनों ने एक फिल्म साइन की। उस फिल्म का नाम था गैर, जिसमें ये दोनों ही लीड एक्टर के तौर पर नजर आ रहे थे। हालांकि फिल्म की शूटिंग चल ही रही थी तो इन दोनों के बीच में बहस हो गई, और बहस इस कदर बढ़ गई कि यह खबर मीडिया तक चली गई। दरअसल कुछ ऐसा हुआ कि रवीना टंडन ने मीडिया के सामने बयान कर दिया कि वो अजय देवगन के साथ रिलेशनशिप में है, वो उनके साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाती हैं। जब ये बात अजय देवगन ने सुनी तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए, जिसकी वजह से उन्होंने रवीना को मीडिया के सामने गुस्से में बोल दिया, खुद ही अपनी लाइफ में मुझे इमेजिन करती है और मुझे लगता है रवीना टंडन को एक मेंटल डॉक्टर की जरूरत है। जब ये बात रवीना ने सुनी तो इस फिल्म को करने से इन्होंने इनकार कर दिया। इस तरह से ये फिल्म बीच में अटक गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग हो गई थी, बस डबिंग और कुछ टेक्निकल चीजें रह गई थी। कुछ सालों बाद प्रोड्यूसर इस फिल्म को रिलीज करने के बारे में सोचने लगे, लेकिन इस फिल्म में उनको रवीना की जरूरत थी क्योंकि इस फिल्म में रवीना से डबिंग करवानी थी, तो प्रोड्यूसर इनके घर इन्हें मनाने गए तो इन्होंने डबिंग करने से इनकार कर दिया। फिर प्रोड्यूसर ने अजय देवगन को ये बात बताई तो अजय देवगन ने प्रोड्यूसर को एक नया आइडिया दिया, अगर रवीना नहीं आ रही है तो उनकी आवाज किसी और से डबिंग करवा लो। प्रोड्यूसर ने ऐसा ही किया, जिससे प्रोड्यूसर का काम भी हो गया और उनका रवीना के आगे हाथ भी नहीं फैलाने पड़े। फिर वो वक्त आया जब इनकी फिल्म गैर 1999 में रिलीज हुई, वो भी रवीना की आवाज के बिना। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी, जिससे रवीना को एहसास हुआ कि अजय देवगन क्या चीज है। दोस्तों, आपको अजय देवगन के इस बात के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट में बता दो, और बॉलीवुड से जुड़ी और भी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।